बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ लेक्चर से हम एमएस वर्ड में आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये सीख रहे थे। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आपको पेज फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप करेक्टर फॉर्मेटिंग करना सीख चुके हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना भी सीख चुके हैं। अब बारी आती है पेज फॉर्मेटिंग की। और पेज फॉर्मेटिंग क्या है दोस्तों? पेज फॉर्मेटिंग में जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है उस पेज का साइज, उसकी ओरिएंटेशन, उसका हेडर या फिर फुटर वगैरह। तो अगर आप इन तमाम चीजों को फॉर्मेट करते हैं, इन तमाम चीजों में तब्दीली करते हैं, तो ये चीज कहलाती है पेज फॉर्मेटिंग। तो आइए इन्हें बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है पेज साइज की। दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले उसका पेज साइज स्पेसिफाई करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितना बड़ा या फिर छोटा आपके पेज का साइज होगा, आप उसी हिसाब से उसमें टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, इट इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड यू टू सेट द पेज साइज बिफोर गोइंग टू फॉर्मेट इट। यानी आप करेक्टर फॉर्मेटिंग करें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करें, कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं वो करें, लेकिन उन सबसे पहले आप पेज साइज स्पेसिफाई करें और साथ के साथ डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन को भी। और ओरिएंटेशन क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट की डायमेंशन को, यानी एक्स वाई डायमेंशन को उसकी ओरिएंटेशन कहा जाता है। और एमएस वर्ड आपको दो तरह की ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट के अंदर डॉक्यूमेंट की लेंथ बनिस्बत उसकी विड्थ से ज्यादा होगी और लैंडस्केप में उसकी विड्थ यानी चौड़ाई ज्यादा होगी बनिस्बत उसकी लंबाई के। तो आइए आप अपने डॉक्यूमेंट का पेज साइज वगैरह किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में, हम वो करना सीखते हैं। दोस्तों ये एमएस वर्ड 2016 आपके सामने मौजूद है। अब सबसे पहले बारी आती है कि हम अपने पेज की फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और उनमें जो सबसे पहला फीचर आपका एमएस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है वो कहलाता है पेज साइज। तो दोस्तों पेज साइज को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले मेन्यू बार के अंदर लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले पेज सेटअप का बार नजर आएगा। तो दोस्तों ये जो बार है पेज सेटअप का, ये दरअसल कहलाता है पेज साइज। यानी इसी के जरिए आप अपने पेज पर जो भी चीज सेट करना चाहते हैं वो इसी बार के थ्रू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको मार्जिन का टैब नजर आ रहा है, और जब आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि एडजस्ट मार्जिन्स। यानी इसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को जब भी स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से आप लिखना यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मार्जिन्स को सेट करना होगा। तो दोस्तों मार्जिन के लिए आप सबसे पहले लेआउट में जाएंगे, फिर पेज सेटअप के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मार्जिन का। अब जैसे ही आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मेन्यूज आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाइड पर क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा कि मेरा जो पेज है उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही है उसकी मार्जिन में। और साथ के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यानी चारों मार्जिन आपको दिखा रहा है कि कितने कितने सेंटीमीटर ये अपने पेज से दूर होंगे। तो ये देखिए हम सबसे पहले वाइट पे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप वाइट पे देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से चारों साइड से उसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। यानी मार्जिन को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन के बाद आता है ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन के माने होते हैं कि आप अपने पेज की ओरिएंटेशन जो है वो क्या चाहते हैं, उसकी डायमेंशन क्या चाहते हैं। और याद रखिए एमएस वर्ड आपको दो तरह की ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आइए, और एक और अहम बात कि बाय डिफॉल्ट आपके पेजेस हमेशा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर ही होते हैं। अगर आप इनको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो आप लैंडस्केप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि लैंडस्केप में इसकी विड्थ यानी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत इसकी लंबाई के, यानी आपके पेज की लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी बनिस्बत लंबाई की। तो ये देखिए अब आपके पेज की चौड़ाई कितनी ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेज की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है साइज के ऊपर, वो है आपके पेज का साइज।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे साइजेस नजर आ रहे हैं, लेटर ए फोर, आमतौर पर आप जो प्रिंट पेज करवाते हैं वो ए फोर साइज का ही होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ए फोर साइज के ही होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई पेज का साइज स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो मोर पेजेस पेज साइज के अंदर जाकर आप अपनी मर्जी की हाइट विड्थ वगैरह देकर अपनी मर्जी का भी पेज साइज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फॉर्मेटिंग पेज के अंदर जो पहला स्टेप विच इज अ पेज साइज। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। दोस्तों अक्सर आप डॉक्यूमेंट का नेम इस तरह से डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप पर लिखा हुआ देखते हैं, तो दरअसल ये कहलाता है आपके डॉक्यूमेंट का हेडर। और इसी तरीके से आप पेज के सबसे नीचे अक्सर किसी बुक का नाम या फिर पेज नंबर वगैरह लिखा हुआ देखते हैं तो ये कहलाता है आपके डॉक्यूमेंट का फुटर। तो दोस्तों आप हेडर फुटर के अंदर पेज नंबर वगैरह भी असाइन करते हैं, तो ये तमाम चीजें आप, ये तो हो गया हेडर और फुटर, लेकिन आप अपने पेज के अंदर ये तमाम चीजें किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइए हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखें। दोस्तों हेडर और फुटर क्या होता है? हेडर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पेज के टॉप पर जो भी आप कोई बुक का नेम वगैरह असाइन करते हैं, अक्सर आपने बुक्स वगैरह के टॉप पर उस बुक का नेम देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप कोई असाइनमेंट अपने टीचर को दे रहे हैं और हर पेज के टॉप पर डेट वगैरह असाइन हो, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, और वो चीज कहलाती है हेडर, जो कि हर पेज के टॉप पर आपको नजर आती है इस जगह पर। इस तरीके से फुटर क्या होता है? फुटर वो चीज होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम साइड पर आपको नजर आती है। अक्सर पेजेस पेज नंबर वगैरह आपको यहाँ पर नजर आते हैं जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़े होते हैं, तो वो चीज कहलाती है फुटर्स, जो कि आपके बॉटम, जो कि आपके पेज के सबसे बॉटम साइड पर आपको नजर आते हैं। और एक और बात याद रखिए दोस्तों, जो भी हेडर या फुटर आप अपने पेज के, आप एमएस वर्ड में एक पेज पर असाइन करेंगे, वो आपको तमाम पेजेस पर शो करेगा, यानी हर एक पेज पर सेम हेडर और फुटर वो आपको असाइन करेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आप अपने पेज में हेडर और फुटर किस तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेडर जो है वो आपके पेज के सबसे टॉप पर होता है, तो आप सबसे पहले अपना कर्सर इस तरह सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे, और यहाँ ले जाने के बाद आप अपने माउस की मदद से दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक किया, इसने आपको दिखा दिया कि ये जो पूरा पोर्शन है ये हेडर का है। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बुक का नेम लिखना चाहते हैं, डेट वगैरह इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो भी चीज आप करना चाहते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पर आपको शो हो हर एक पेज के, तो आप यहाँ साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ एमएस वर्ड। तो दोस्तों मैंने अपना डॉक्यूमेंट का हेडर असाइन कर दिया है। अब आपने असाइन करने के बाद क्या करना है, आपको इस लाइन से नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको वही दोबारा अमल करना है, यानी दो बार आपको लेफ्ट क्लिक दबाना है। तो देखिए जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया, अब मेरे पेज का हेडर असाइन हो चुका है, जो कि मुझे अब हर पेज पर नजर आएगा। ये देखिए यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, और यहाँ भी नजर आ रहा है, विच मीन्स कि मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे मुझे हर पेज पर ये हेडर आपको शो होगा, जो कि आप पेज नंबर 1 पर असाइन करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेडर है वो फर्स्ट पेज पर कोई और हो और सेकंड पेज पर कोई और हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो जैसे ही आप डिफरेंट फर्स्ट पेज लिखेंगे, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर फर्स्ट पेज पर ये वाला हेडर अप्लाई होगा, और बाकी तमाम पेजेस पर जो आप पीछे स्पेसिफाई कर चुके हैं एमएस वर्ड, वो हेडर अप्लाई होगा। ये देखिए आपने हेडर स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर आपको एमएस वर्ड 2016 नजर आ रहा है, जो कि हमने फर्स्ट पेज के लिए असाइन किया था, और अगले पेजेस के अंदर वही एमएस वर्ड आपका हेडर रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हेडर वगैरह अपने पेजेस के ऊपर असाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फुटर को इंसर्ट करना। दोस्तों फुटर को इंसर्ट करने का भी बिल्कुल सेम तरीकेकार है, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हेडर जो है ये सबसे टॉप पर होता है, विच मीन्स कि इसको स्पेसिफाई भी आपको सबसे टॉप पर करना होगा, और फुटर सबसे बॉटम पर होता है, तो उसको स्पेसिफाई भी आपको सबसे बॉटम, यानी अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज के सबसे नीचे हिस्से पर जाकर आपको इसको स्पेसिफाई करना होगा, इसको डिफाइन करना होगा। तो अब यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से पर पहुंच चुकी हूँ, कर्सर लेकर आ गई हूँ। अब मैं बिल्कुल वही पुराने वाला काम करूंगी, मैं कर्सर को बॉटम पे लाऊंगी, उसके बाद दो दफा लेफ्ट क्लिक करूंगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है फर्स्ट पेज फुटर। दोस्तों
अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पेज हटा देंगे तो यहाँ पर अब आपका नॉर्मल फुटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई पेज वगैरह यानी पेज नंबर वगैरह इंसर्ट कराना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर पर गई, और क्योंकि मैं बॉटम पर इंसर्ट करवाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर बॉटम ऑफ पेज को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर और अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं स्टाइल्स के, आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं पेज नंबर, यहाँ पर करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सेंटर के अंदर पेज नंबर शो हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि अब मेरे फुटर के अंदर पेज नंबर आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पेज नंबर भी असाइन कर सकते हैं फुटर्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये असाइन कर दिया, इसके बाद आप इस फुटर से बाहर आएंगे और दो दफा लेफ्ट क्लिक करेंगे। दोस्तों इस तरीके से अब आपके पेज पर फुटर अप्लाई हो चुका है। अब आप देखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आपको अलग अलग पेज नंबर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पेज नंबर 1 पर हैं तो फुटर के अंदर पेज नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, अब हम 2 पर हैं तो पेज नंबर 2 आपको फुटर में नजर आ रहा है। इस तरह डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस पर आपको फुटर जो है वो पेज नंबर आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप हेडर और फुटर अपने पेजेस के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पेज के अंदर अलग अलग स्टाइल के हेडर और फुटर डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एमएस वर्ड इसका फीचर प्रोवाइड करता है। आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर नजर आ रहा है। दोस्तों आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग आपको डिजाइन के हेडर्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब मेरे हेडर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आप यहाँ पर अपना टाइटल डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया तो अब मेरा पेज जो हेडर है वो इस तरह से स्पेसिफाई हो गया है। मैं यहाँ पर क्लोज हेडर और फुटर लिखूंगी तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे हेडर में अब इस स्टाइल का एमएस वर्ड नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं इस तरीके से अपने हेडर्स और फुटर को डिजाइन वगैरह भी इसके स्पेसिफाई कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको फुटर्स के भी इसी तरह से डिजाइन नजर आ रहे हैं और पेज नंबर के भी आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर आप हेडर, फुटर और पेज नंबर वगैरह असाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपका फॉर्मेटिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज इंट्रोड्यूसिंग कॉलम्स एंड टेबल्स, यानी हम एमएस वर्ड में आप किस तरह से टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपको देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।